की महिमा हो। फिर एक बार आज आपके सामने इस वीडियो में और इस जो आप सुनते हैं इस आवाज के द्वारा आपके साथ बात करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सबको परमेश्वर अभी तक संभाला है। कासवतम आज पांचवा महीना में शुरुआत किए हैं, चार महीना परमेश्वर आपको हमको कितना भी स्थिति हो, कितना भी सिचुएशन हो, इसके बीच में होकर भी आपको हमको अभी तक परमेश्वर ने संभाला है। इसीलिए मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, ताकि परमेश्वर आगे भी संभालने वाला है। और भी आठ महीना बाकी है परमेश्वर, इस साल को और भी अच्छा सा आगे हम देखने के लिए परमेश्वर मदद करें। हम डरे होंगे, इस साल शुरुआत किया है, अच्छा होगा करके विश्वास करके हमने शुरुआत किया है, परंतु इतना साल हमने देखा है, हमारा जिंदगी में ऐसा साल हमने नहीं देखा होगा, परंतु आपको विश्वास को आप नहीं छोड़े, हमारा परमेश्वर आपके साथ है। आज वो परमेश्वर आपसे हमसे पवित्र वचन के द्वारा बातचीत करने पाए, मैं आपके लिए, हम आपके परिवार के लिए लगातार हम प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर में और परमेश्वर की वचन में और भी आप मजबूत होने पाए, ताकि और भी आने वाला दिन में आप, आपके परिवार परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने की एक अच्छा सा परिवार बन सके। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। आज की ध्यान के लिए आप मेरे साथ पवित्र वचन को खोलें, योहन्ना का इंजिल उसकी 16 अध्याय 31 से लेके 23 तक, 31-33। योहन्ना का इंजिल उसकी 16 अध्याय 31-33। जल्दी से पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो? देखो, घड़ी आती है। वरना आ पहुंची है। वरना अभी आ पहुंची है कि तुम सब इतर बितर होकर अपने मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। मुझे अकेला भी छोड़ देंगे तो भी मैं अकेला नहीं है, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए मैं कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को, आप जब पहला वचन हम पढ़े थे 31 में, परमेश्वर की दिल के अंदर परमेश्वर ने 31-32 में बोल रहा है, आप लोग भी इधर उधर हमको छोड़ के जाने के एक वक्त आएगा, मुझे भी अकेला रहना पड़ेगा, मुझे भी अलग होना पड़ेगा करके परमेश्वर बता रहा है। बताने के बाद परमेश्वर तुरंत बोलता है, परंतु मैं अकेला नहीं है, मेरा पिता मेरा साथ है करके प्रभु ने बोलता है। बोलने के बाद परमेश्वर ने आपको, हमको अच्छा सा कुछ बात नेक्स्ट वचन में बता रहा है। शांति देने वाला हमारा परमेश्वर है, आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर समाधान को रखा है, परंतु इस संसार में हमको क्या है लिखा है, पढ़ेंगे, क्लेश है। कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, हर एक मनुष्य के जीवन में क्लेश होता है, क्लेश आता है, क्लेश रहता है, क्लेश के बीच में जाना पड़ेगा, क्यों? परमेश्वर की वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को बाइबल में लिखे रखा है, उसने बोला है क्लेश रहता है, परंतु इसमें क्या करना है, पढ़ेंगे, डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। क्लेश रहता है, परंतु परमेश्वर बोलता है डांडस बांधो, क्योंकि मैंने
संसार को जीत लिया है करके प्रभु बोलता है। पहला वचन में परमेश्वर बोल रहा है मैं भी अकेला हो गया हूं परंतु मेरे साथ पिता है करके बोल रहा है। इधर आपके लिए हम के लिए परमेश्वर बोलता है क्लेश तो इस संसार में रहता है, क्लेश तो आता है, परंतु आपको ढाढ़स बांधने की आवश्यक है क्योंकि आपकी जो पिता परमेश्वर, आपकी जो प्रभु यीशु इस संसार से विजय प्राप्त किया है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इस वजन में बहुत अच्छा सा लिखा है। आप भी सोचे होंगे हम मसीह को कबूल किया है, मसीह के लिए मैंने इतना प्रार्थना करता हूं, इतना वजन पढ़ता हूं, इतना अच्छा जीवन बिताता हूं, फिर भी मेरे जीवन में क्यों क्लेश, क्यों मेरे शरीर में तकलीफ, क्यों मेरा परिवार में समस्या है, क्यों मेरे काम में तकलीफ है, क्यों इस संसार में ऐसा स्थिति है। बाइबल बतलाती है क्लेश तो हमारे जीवन में है, मसीह की जीवन में क्लेश है, परंतु एक चीज इसमें आपको हमको परमेश्वर दिखाना जाता है, पिता परमेश्वर हमारा साथ रहता है। इतना भी आप समस्या में हो, इतना भी तकलीफ के बीच में हो, इसके बीच में हर दिन परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए वादा किया है। ये आपके लिए मेरे लिए इतना बड़ा एक याव है, इसलिए इस वचन में लिखा है आपकी पिता इस संसार से विजय प्राप्त कर लिया है। और हम पढ़ेंगे बहुत अच्छा सा लिखा है योहन्ना की इंजील में 14:27 को हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, प्रभु बोलता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपना शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा। बस इसमें लिखा है परमेश्वर ने बोलता है अपना शांति, हमारा पीस, हमारा पास जो है परमेश्वर ने क्या किया है देता हूँ। पढ़ेंगे मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर मेरे लिए अपनी शांति को दे जाता है, आज भी रखा है। इस शांति की वजह से हमें क्या करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट पार्ट में उस वचन में लिखा है इसलिए लास्ट में पढ़ेंगे आपकी हृदय तुम्हारा मन इसलिए व्याकुल ना हो और ना डरे। याद रखें आप क्लेश के बीच में होगा, आप तकलीफ के बीच में होगा, लिखा है परमेश्वर आपको देखता है, आपके मन में व्याकुल ना होना, आपके मन में डर ना होना, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है सब लोग मुझे छोड़ के चला गया है, मैं अकेला हो गया, परंतु परमेश्वर ने बोल रहा है मेरा पिता जिसने इस संसार में भेजा है वो मेरा साथ रहता है। आज कितना लोग विश्वास के साथ बोलेंगे मेरा पिता मेरा साथ रहता है, मैं कितना भी क्लेश के बीच में हो, कितना भी समस्या के बीच में हो, मेरा पिता मेरा साथ रख के मेरा मदद करता है, मुझे शांति देता है, मुझे आनंद देता है, मुझे ताकत देता है, मेरा शरीर में बल देता है, वो परमेश्वर हमारा साथ है। इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों मेरे लिए केयर करने के लिए, क्यों मेरे जीवन के बारे में अच्छा सा करने के लिए मेरा पिता मेरा साथ आता है करके विश्वास हमारे जीवन में होना है। दूसरा एक वचन को पढ़ेंगे मत्ती का इंजील 26:38-39 हम पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की हे मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए
टल जाए। यीशु मसीह की अंतिम दिन की बारे में इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। प्रार्थना करने के लिए गया है, तब प्रार्थना करने के लिए गया तो परमेश्वर ने इतना व्याकुल के साथ दुख के साथ प्रार्थना कर रहा है करके लिखा है, जैसा वजन 38 में पढ़ा है, मेरा आत्मा मृत्यु की, जैसा वापस हम पढ़ेंगे, मेरा जी बहुत उदास है, मेरा जी मेरा आत्मा बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। कितना परमेश्वर पिता की एकलौता पुत्र बनके इस संसार में आया है, उसने प्रभु है, उसने खुदावन है, फिर भी मनुष्य की तारण बनके इस संसार में जीवन बिताने की वजह से उसकी शरीर में इतना तकलीफ है, इतना प्रॉब्लम है, फिर भी लिखा है परमेश्वर ने क्या करता है, प्रार्थना करता है, पिता से निवेदन करता है। प्रभु जानता है पिता मेरा साथ रहता है। और भी एक वचन पढ़ेंगे मत्ती के इंजिल में 16:24 हम पढ़ेंगे, यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। बहुत लोग सोचे होंगे यीशु के पीछे होना बहुत ईसी है, बहुत आसान है, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल सकते हैं, जरूर मिल सकते हैं, परंतु बाइबल बतलाती है परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये प्लान है। उसने बोल रहा है मैं जैसा सलीब उठा है, मेरे जीवन में जैसा सलीब है, आप भी अपनी सलीब उठा के यीशु के पीछे चलना है। इसकी मतलब क्लेश होगा, इसकी मतलब दुख होगा, समस्या होगा, ऐसा सलीब होगा, उसको उठा के हम भी पीछे चलने वाला बनना है। सचमुच आज इस संसार की क्लेश, इस संसार की दुख, सब कुछ हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में आएगा, हो सकता है हमको तकलीफ देता होगा, परंतु इसके बीच में विश्वास करें पिता परमेश्वर हमारा साथ है। और एक वचन हम पढ़ेंगे योहन्ना का इंजिल में, मेरे साथ आप खोलें योहन्ना का इंजिल 15 उसके 18-19 हम पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते हैं तो संसार अपनों से प्रेम रखता है परंतु इस कारण की तुम संसार की नहीं है वरना मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है, इसलिए संसार भी तुमसे बैर रखता है। याद रखें, पहला हमारे जीवन में क्लेश है, दूसरा चीज परमेश्वर की वजन बतलाती है संसार भी आपसे बैर रखता है, क्योंकि आपको हमको परमेश्वर इस संसार से चुन लिया है, अपने रास्ता के लिए चुन लिया है, अपने सच्चा मार्ग के लिए चुन लिया है, अपने राज्यों में लेने के लिए चुन लिया है, इसलिए संसार परमेश्वर को बैर किया है। वैसा ही हमारा जीवन में भी बैर करना होगा, फिर भी आपको हमको चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा साथ मदद करने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, पिता हमारा साथ है। और भी एक वचन पढ़ेंगे मत्ती का इंजिल, जल्दी खोलेंगे मत्ती का इंजिल 10 उसके 30-31 पढ़ेंगे। तुम्हारा सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं है तुम बहुत गोरे से बढ़कर हो। हालेलुया। संसार हो सकता है आपको बैर करता होगा,
आपका दोस्त होगा आपको बैर करता होगा, आपकी साथे खाने वाला होगा आज बैर करता होगा, आज ही आपके परिवार के नजदीक रहने वाला होगा आपसे बैर करता होगा, आपसे अच्छा मिट्टा बात करने वाला होगा आपसे बैर करता होगा। भाई वो बतलाती है, परमेश्वर की वचन बोलता है संसार भी आपसे बैर रख सकता है, परंतु परमेश्वर बोलता है तेरा बाल भी मैं गिन के रखा। इतना बड़ा परमेश्वर है, आपको इतना ख्याल करता है। आपका फ्रेंड आपको इस समय में ख्याल नहीं किया होगा, आपके परिवार वाला ख्याल नहीं किया होगा, आपका कंपनी वाला ख्याल नहीं किया होगा, परंतु याद रखें आपको ख्याल करने के लिए मेरा प्रभु यीशु है, आपकी बाल को गिन के रखा है, आपको हर चीज को जानता है, इसलिए आप चिंता करने की अवश्य नहीं है। और एक वचन पढ़ेंगे मत्ती का इंजील सातवां अध्याय 13 और 14 पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचवाता है और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, बहुत लोग उसमें से प्रवेश करते हैं क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचवाता है और तोड़े हैं जो उससे पाते हैं। आज सुबह के समय में आप भी इस तोड़े के अंदर आ जाए, क्योंकि इस फाटक के अंदर, इस छोटा रास्ता के अंदर चलने के लिए तकलीफ होगा, क्लेश होगा, संसार बैर करता होगा, संसार में तकलीफ होगा, संसार की हर चीज में से हमको बहुत मुश्किल होगा, परंतु याद रखें इस कठिन मार्ग में जाने से एक दिन हम स्वर्ग राज्य में परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर के पास जाके हम बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारा साथ परमेश्वर आता है। इस रास्ता में हमारा पिता हमारा साथ चलता है, इस रास्ता में और कोई नहीं है, प्रभु हमारा साथ है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की अवश्य नहीं है, हमें मालूम है इस मार्ग एक दिन प्रभु के राज्य में मुझे लेके जाएगा, ये विश्वास है। आप आगे बढ़े। और एक लास्ट में और भी एक बात करके अंत करने के लिए जाता हूं, प्रकाशित वाक्य की बुक है उसके 3 अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे। फिलदेल्फिया कलीसिया के दूत को ये लिख जो पवित्र है और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, दाऊद की कुंजी उसके हाथों में है, जिसको खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है वह यह कहता है ध्यान से सुनेंगे कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं आज सुबह इस फ्राइडे के दिन तेरे कामों को मैं जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा हूँ जिससे कोई बंद नहीं रख सकता है तेरे सामर्थ्य तो थोड़ी सी है फिर भी तुमने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदीपन बैठे हैं पर है नहीं वरना झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया, कितना बड़ा प्रॉमिस वचन है। क्लेश है हमारे जीवन में, तकलीफ है, दुख है, समस्या है, परंतु याद रखें पिता आपके साथ है। जैसा पिता है अगर वो बोलेगा तो कोई बंद नहीं रख सकता है, अगर वो बंद कर देगा कोई खोल नहीं सकता है। वो परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा उसकी हृदय के अंदर एक बोझ है, वही ये सुबह के समय में मैं आपके सामने रख लेता हूं। वो बोझ के बारे में लास्ट जो पढ़ा था अच्छा सा लिखा है, वापस हम पढ़ेंगे हम 8 वचन तक पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ
आपके कामों को परमेश्वर जानता है। आज चेक करें आप किसके लिए भलाई करता है, किसके लिए बुराई करता है, किसके लिए आप प्रार्थना करता है, किसके लिए कुछ करने के लिए कोशिश करता है, आप कुछ लोग को बचाने के लिए क्या करता है, ये काम को परमेश्वर जानता है। और पढ़ेंगे, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा हूँ जिससे कोई बंद नहीं रख सकता है। तेरे सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, आपका सामर्थ्य थोड़ा है, इतना तकलीफ है, इतना क्लेश है, इसके बीच में भी आपके अंदर थोड़ा सा सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की ताकत है, आपके अंदर थोड़ा सा परमेश्वर की पावर है, शक्ति आज दिया है, आज इस सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने की जरूरत है। फिर भी तूने मेरे वचन को पालन किया है, फिर भी तुमने मेरे वचन को पालन किया है। आज सुबह के समय में आप याद रखें कितना परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में पालन करते हैं। चेक करें, आगे पढ़ेंगे। फिर भी तूने मेरे वचन को पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरा नाम का इनकार नहीं किया है। कुछ लोग इतना समस्या है, क्या यीशु को आराधना करेंगे, क्या खुदावन से क्या बोलेंगे, क्या कर सकते हैं, इतना पूरा बंद पड़ा है, पूरा ही पड़ा है, इनकार नहीं करें। इस सिचुएशन में भी घुटना टेक के प्रभु की हजूरी में वक्त निकालें। आपके बिस्तर भी होगा, उस बिस्तर में भी आप हाथों को बंद करके परमेश्वर की हजूरी में अर्पण करें। परमेश्वर की हजूरी में इस दिन में परमेश्वर के हाथों में आपके जीवन को, आपके परिवार को, जीवन को दे दें। जरूर आपके सामने परमेश्वर एक रास्ता खोल के रखा है, कोई बंद नहीं रख सकता है। परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के लिए, उसकी वजन को मानने के लिए, उसके वजन के अनुसार चलने के लिए आज अर्पण करें। केवल सुनने वाला नहीं है, उसकी वजन के अनुसार चलने के लिए आप अर्पण करें, क्योंकि आपकी मेरे मकसद इस संसार नहीं है, आपकी परमेश्वर के राज्य में एक दिन जाना है, इसके लिए अर्पण करें। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में और भी ताकत देगा, और भी अभिषेक देगा। प्रभु बहुत आशीष दे। God bless you। जय मसीह की। खालिक राजा है तू सबदा, खालिक राजा है तू सबदा, बाप उठा।